कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट विच धमाका हो गया अते इस विच 5 लोगों की मौत हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाल ने कहा कि तुरंत दुखद खबर मिली है कि इस घटना के कुछ लोगों की जान भी गई है। अग सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मीनल गेट 1 के अंदर SEZ3 बिल्डिंग की 4th-5th मंजिल से लगी सी। सीरम के अग लगन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय वालों यह दसया गया कि शुरुआती जानकारी दे विच पता लग गया है कि पुणे के मंजरी स्थित सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया दे विच अग लगन की वजह इलैक्ट्रिक फाल्ट है और इसकी जांच की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट विच हुए हादसे विच केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीड़ित परिवारों के प्रति हमदर्दी जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट के हादसे विच जाना जान की खबर बहुत ही दुखपूर्ण है और उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी विच पीड़ित परिवारों के नाल ने अग उत्ते काबू पाने लई उन्होंने पुणे सिटी की पुलिस की भी प्रशंसा की। हालांकि अग कोरोना वायरस टीका निर्माण इकाई तो दूर लगी है जिस कारण कोविड टीकों के निर्माण से कोई भी प्रभाव नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम टीवी।